लोकसभा चुनाव को लेकर बुरहानपुर दौरे पर रहे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता लेकर पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, सांसद ने पिछले कार्यकाल में कौन से कार्य किए हैं, जरा खुलकर बताएं। वह कभी किसी गांव में किसी मोहल्ले में नहीं गए, कोई विकास कार्य नहीं किए, सांसद निधि भी खर्च नहीं की। वहीं जीतू पटवारी ने कहा, आज दूसरे चरण का चुनाव है और ये सभी को लग रहा है कि भाजपा का सफाया होने वाला है। तभी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, मंगलसूत्र और जातिवाद पर घृणा वाले बयान दे रहे हैं। मोदी कभी विकास की बात नहीं करते, बेरोजगारी पर नहीं बोलते, महंगाई पर नहीं बोलते, वह हमेशा नफरत की राजनीति करते आए हैं। उन्होंने कहा, देश की जनता अब समझने लगी है भाजपा की सरकार जाने वाली है और गठबंधन की सरकार बनने वाली है। ना बताइए कि बीजेपी जाने वाली है, कांग्रेस और गठबंधन आने वाली है। आप 40 साल बोल रहे हैं, वो मंगल और घना कल सूत्र की बात कर रहे हैं, वो वाम सोच की बात कर रहे हैं, वो नफरत ना बताइए कि बीजेपी जाने वाली है, कांग्रेस और गठबंधन आने वाली है। न्याय है, मोदी जी ने कानूनन करप्शन करवा दिया बीजेपी को, बॉन्ड के जरिए पता चला देश को ये सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर देश की कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। मेरा मानना है, करप्शन के अगेंस्ट जब प्रधानमंत्री लड़ाई लड़ते हैं तो 141 लोगों पर ईडी और सीबीआई की बात करी, उसमें से 121 बीजेपी में डाल दी। और आज ही जब हम बात कर रहे हैं, एक दिन पहले ही, जिसमें 8,000 करोड़ के पाइपलाइन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शरद पवार के, अजीत पवार के लिए आरोप प्रत्यारोप हुए थे, आज उनकी पत्नी को क्लीन चीट दे दी, इससे पहले नारायण नारायण को दे दी, उससे पहले हेमंत विश्वास को दे दी। तो ये बीजेपी का असली चेहरा करप्शन के अगेंस्ट लड़ने का और करप्शन करने का देश देख रहा है। नरेंद्र मोदी जी की पूरी कलाई खुल गई है, चेहरा उनका सामने आ गया है। गठबंधन जीतेगा, बीजेपी हारेगी। बुरहानपुर से नौशाद नूर की रिपोर्ट।